और ये तस्वीरें दुर्ग से आप देख रहे हैं, पूर्व मंत्री हेमचंद यादव की शव यात्रा निकाली जा रही है। दुर्ग के बैगापारा की तस्वीरें हैं जहां से पूर्व मंत्री हेमचंद यादव को अंतिम विदाई के लिए ले जाया जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इनका पार्थिव देह रखा जाएगा, कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बता दें कि दुर्ग से 3 बार के विधायक रहे, मंत्री पद से उन्हें नवाजा गया। 2003 में कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने वाले पूर्व मंत्री, जिनका राजनीतिक कद भी छत्तीसगढ़ में काफी अहम रहा, सारे ही नेता और मंत्री बीजेपी कार्यालय में पहुंचने लगे हैं। पूर्व मंत्री हेमचंद यादव का अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है। ये उनके घर की तस्वीरें हैं, बैगापारा के रहने वाले थे पूर्व मंत्री हेमचंद यादव, जिनके घर में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रियों का पहुंचना भी शुरू हो गया। और अंतिम यात्रा बैगापारा से निकल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इनका पार्थिव देह रखा जाएगा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंचने वाले हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स और तमाम नेता कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में दुर्ग में पहुंचने वाले हैं, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री रमशीला साहू पूर्व मंत्री हेमचंद यादव के निवास पर पहुंची हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। हेमचंद यादव छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक ऐसा नाम जिन्होंने अपना दमखम दिखाया, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो भी दुर्ग जैसे क्षेत्र में, जहां से मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र भी हुआ करता था पहले, कांग्रेस के गढ़ में उन्होंने सेंध लगाई। कांग्रेस के गढ़ से लगातार 3 बार वो विधायक चुने गए, जिसके बाद उन्हें 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मंत्री पद से नवाजा गया। बखूबी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पूर्व मंत्री हेमचंद यादव ने पार्टी को भी दिशा निर्देश दिए। पार्टी के सभी बड़े नेता इसे अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं। और ये दुर्ग से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंतिम यात्रा निकली है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, मंत्री रमशीला साहू मौजूद हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और ये अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, 12 बजे पूर्व मंत्री हेमचंद यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। काफी दिनों से वे बीमार चल रहे थे, पेट के इन्फेक्शन की वजह से मुंबई में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद दिल्ली एम्स में उन्हें रेफर किया गया। दिल्ली एम्स में मंगलवार की रात उन्होंने अंतिम सांस ली और कल उनका पार्थिव देह रायपुर एयरपोर्ट लाया गया, जहां सभी मंत्री पहुंचे। और आज दुर्ग के बैगापारा से जो उनका पैतृक निवास है, जहां वो रहते थे, वहां से उनकी अंतिम यात्रा निकली है। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री भी शामिल हैं, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री रमशीला साहू और मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम आप इस अंतिम यात्रा में देख सकते हैं। अंतिम विदाई देने से पहले, अंतिम संस्कार करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पूर्व मंत्री हेमचंद यादव का शव रखा जाएगा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्ता और संगठन दोनों में ही प्रमुख भूमिका निभाने वाले पूर्व मंत्री हेमचंद यादव का जाना पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है, जैसा कि पार्टी के नेता कार्यकर्ता मंत्री सभी का कहना है। सभी की आंखें नम हैं, अंतिम विदाई के लिए मानो पूरा दुर्ग उमड़ पड़ा है, क्योंकि दुर्ग क्षेत्र से ही 3 बार के विधायक रहे, ऐसा क्षेत्र जहां कांग्रेस अगड़ रहा।
वहां पूर्व मंत्री हेमचंद यादव ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ा और 2003 में जब सरकार भाजपा की बनी तो उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दुर्ग से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी कार्यालय में पहले अंतिम दर्शन के लिए हेमचंद यादव का पार्थिव देह रखा जाएगा। अंतिम यात्रा पार्टी कार्यालय पहुंच चुकी है, जहां मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, मंत्री रमशीला साहू, मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भी मौजूद है, मुख्यमंत्री भी श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे।